क्वेश्चन नंबर 5, वन अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, बाकी दोनों अक्यूट होते हैं. लेट ये एक्स का लीजिए और ये वाई, ये दोनों अक्यूट. अक्यूट का मीनिंग है कि 90 से छोटे होते हैं. तो वो कहते हैं वन अक्यूट एंगल, ये जो वन है ना एंगल ऑफ ए राइट इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर, यानी ये जो एक्स है ना ये इज इक्वल टू करें ट्वाइस ऑफ द अदर, यानी इसका ट्वाइस उससे भी 12 मोर है, प्लस 12 कीजिए. यानी देखिए ये वाला एंगल ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो इसका ट्वाइस किया उसमें 12 ऐड किया, यानी 12 मोर देन ट्वाइस ये वन अक्यूट एंगल ये आ गया. तो अब इसको आप वाई को इधर लाएंगे तो बनेगा, यानी इक्वेशन बनाएंगे एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 12. ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई. और नेक्स्ट वो कह रहे हैं फाइंड द अक्यूट एंगल्स, यानी एक्स एंड वाई दोनों फाइंड करने ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. तो अब आपको ये भी पता है इसके अंदर अगर एक 90 का है तो ये दोनों का सम भी 90 होगा, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब आपके पास दोनों इक्वेशंस बन गई, एक ये वाली और एक ये. अब आप इसके कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स निकालिए, वन नेगेटिव टू, वन नेगेटिव टू, इधर वन और फिर इधर वन. ये है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स और ये एक्स एंड वाई और आगे आपका 12 एंड 90 है. अब क्या करेंगे आप, जो मेथड आपका दिल करे वो लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए.